हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार मिश्रा और अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 जुलाई को आज आप लोग का फर्स्ट सिटिंग में जो हिस्ट्री सब्सिडियरी का परीक्षा हुआ है, यहाँ पर हम लोग उसका आंसर की देखने वाले हैं। बाकी मैंने जितना भी सब्जेक्ट है उसका आंसर की चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपका जो सब्जेक्ट होगा जाके आप लोग देख लीजिए और आंसर मिला के वहाँ पर स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री सब्सिडियरी का आंसर देखेंगे। 4 ऑप्शन आप लोग का होता है, जिसमें से एक ऑप्शन होगा वो सही होगा, और जो मैं बताऊँगा यहाँ पर आपका 99% एक्यूरेट उत्तर कुंजी आपका रहने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं ऑप्शन को अच्छे से बताने वाला हूँ, और जितना आपका मार्क इस सब्जेक्ट में आएगा या इस वीडियो से मिलाने के बाद आपके क्वेश्चन पेपर पे तो टिक लगा होगा, तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि हाँ मेरा 100 में कितना आ रहा है। अगर आपका 100 में 80 आ रहा है तो 80/100 लिखोगे हार्ट लाइक के साथ में। आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं। आपको पता होगा इस बार जो सेट वाला सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया। पहले जैसे ABCD करके होता था, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन नंबर सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे पहले होता था पहले नंबर में कोई दूसरा क्वेश्चन तो किसी का चौथे नंबर में है वो क्वेश्चन जो आपके पहले में है, लेकिन इस बार सबका सेम ही है। आइए मिला लेते हैं हम लोग हिस्ट्री का आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछा गया था कि व्हेन वाज विडो री मैरिज एक्ट पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका सी, दैट इज 16 जुलाई 1856। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, 1856 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड देखिए, वो गेव बॉम्बे एज डॉरी गिव टू चार्ल्स टू, ये पोर्टुगीज ने दिया था, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। देखिए जितना मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था ना हिस्ट्री में क्वेश्चन, उसी से पूछा गया, उससे बाहर नहीं है। मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को मिला करके 5-6 सेट मैंने करवाया हुआ था अपने चैनल पर VVI ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर से जितना वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको जाके मिलाओ, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लगभग उसी पैटर्न पे, बाकी 20% भी है कहना चाहिए तो 100% वही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट, वो स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट, ये स्टार्ट किया था आपका एनी बेसेंट ने, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा होम रूल मूवमेंट का, सी हो जाएगा। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ व्हेन फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास, तो जब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था उस टाइम में गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड रिपन, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। तो जिनका जिनका भी ए टिक किया हुआ होगा वो सही है। वो वॉज द लीडर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी, तो 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए, दैट इज गणेश दामोदर सावरकर, ए विल बी द राइट आंसर। चैनल से जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पार्ट 3 का हर एक कंटेंट समय समय पे मिल सके। जब आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा इसके बाद मैं पार्ट 3 का तैयारी स्टार्ट करवा दूंगा, और उसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और या आप brainstorm.ed99 करके टेलीग्राम पर जाके सर्च करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पार्ट 3 का हर एक कंटेंट, क्योंकि पार्ट 3 में आपका GK GS होगा, जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज, क्योंकि सब्सिडियरी वहाँ पर हट जाता है, तो आप लोग के बीच बेहतर कंटेंट आता रहेगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल से भी जुड़ जाइए। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। गणेश दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब रिटर्न हुए, ये भी मैंने बताया हुआ था आपको 1915 में, आपने अगर पढ़ा होगा वीडियो अगर देखा होगा तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, ऑप्शन बी। वो एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ प्रेस, ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि जितना मैंने 5 सेट हिस्ट्री में बताया हुआ था उसमें से क्वेश्चन मैच किया या नहीं, सच सच बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे बाहर गया है, 80% क्वेश्चन उसी में से है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चेंज कर दिया गया है। इंग्लिश डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हुआ था 1835 में, तो 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। वेयर डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस, ये हुआ था कलकत्ता में, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। अभी कोलकाता होता है ना, पहले कलकत्ता होता था। व्हेन वाज आर्य समाज केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1875 ही LNMU आपको मानेगा, 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ, तो ऑप्शन इसका डी होगा। बुधो भगत वाज द लीडर ऑफ विच ट्राइब, सिंपल क्वेश्चन है कोल ट्राइब का, ए हो जाएगा। जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो नए हों या फिर ऑलरेडी चैनल से पहले से जुड़े हों, सभी लोग आके अपना स्कोर बताइएगा 2 सेकंड का टाइम निकाल के, हाँ तो मुझे पता चल सके
कि आपका कितना मार्क आ रहा है इस पेपर में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जितना वीडियो देखते हैं उसमें से आधा भी नहीं बताते हैं, आधा क्या छोड़ो 10% भी नहीं बताते हैं कि आपका कितना स्कोर है। साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। व्हेन वाज द दांडी मार्च स्टार्टेड, ये हुआ था 12 मार्च 1930 को, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट थ्रेटेंड टू इन्वेड इंडिया, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, लॉर्ड वेलेस्ली विल बी द राइट आंसर। व्हेन वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम ब्रॉट, और ये हुआ था 1909 में, इसी को हम लोग बोलते हैं मोरले, 1909 में ही आया था मोरले मिंटो रिफॉर्म, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, डी। वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये हुआ था आपका लंदन में, ऑप्शन डी। वो रोट वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट टुक प्लेस, ये हुआ था 1916 में, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। ड्यूरिंग वूज रीन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म, तो लॉर्ड डफरीन, रीन तो लॉर्ड डफरीन, यहां पे मिला लो किसके रीन में, तो लॉर्ड डफरीन के रीन में। इन वूज रीन द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपेंड इन इंडिया, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। टोटल 100 क्वेश्चन यहां से मैं आपको बताऊंगा राइट आंसर क्या होगा 100 में, आपको इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है, ऑप्शन ए। वेयर वाज द हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, तो हेनरी डेरोजियो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद, तो इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर तिवारी, ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम। ऑथर ऑफ गुलामगिरी, तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी गुलामगिरी। वो वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, तो इनका नाम था सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हेन डिड द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली टेक प्लेस, तो ये हुआ था आपका 1911 में, ठीक है, ट्रांसफर हुआ था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी, लेकिन ऑप्शन में 1911 नहीं है, तो डेट आपका है 12 दिसंबर 1911, LNMU राइट ऑप्शन मानेगा 1912 को, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन, LNMU ऑप्शन बी को ही मानेगा, ए को नहीं मानेगा। आप कहने के लिए बोल सकते हो कि ऑप्शन में 11 नहीं तो 10 को भी माना जा सकता है, लेकिन नहीं, 12 दिसंबर है ना, तो साल का कहने का मतलब अंतिम महीना और मात्र 18 दिन बचता है 1912 मतलब आने में, तो ऑप्शन डी को ही कंसीडर करेगा LNMU, सॉरी बी को, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। वो इज द ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, सी ऑप्शन विल बी राइट। इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, तो 1942 इसका हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन में। व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ, तो 1922, चौरी चौरा कांड के वजह से इसको समाप्त कर दिया गया, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के क्या है, ऑथर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई महात्मा गांधी, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया गया, मतलब किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, फर्स्ट और थर्ड नहीं। वो वॉज द फाउंडर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका, तो शिशिर कुमार घोष इसका राइट आंसर होगा। वो इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ क्वेश्चन, ये भी बताया हुआ था मैंने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी, ऑप्शन बी। वो डिस्क्राइब्ड बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो इनका नाम था बी चिरोल, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया, तो 1942 में, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी और क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। गवर्नर जनरल व्हेन कैपिटल वॉज शिफ्टेड कलकत्ता टू दिल्ली, तो लॉर्ड हार्डिंग, इन्हीं के ऊपर रास बिहारी बोस ने बॉम्ब फेंक दिया था, ठीक है। वो वॉज द ऑथर ऑफ बंदी जीवन, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन ए। हिंदू महासभा कब फॉर्म हुआ था, तो ये हुआ था 1915 में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है, 1915 में।
मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन ए होगा। वेयर डिड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड, तो ये 1857 मीरठ से हुआ था, क्वेश्चन ये भी बताया हुआ है। लीडर ऑफ 1857 रेवोल्यूशन इन बिहार, तो बाबू कुंवर सिंह, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई मार्टियर फाइटिंग ब्रिटिश, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ग्वालियर, यहाँ पे ग्वालियर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टिक कर दिया झांसी, झांसी गलत है, ऑप्शन इसका सी होगा। वो इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट, तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवारी सेटलमेंट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, तो मद्रास, ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट, रैयतवारी से। व्हेन डिड मुंडा रिबेलियन टेक प्लेस, तो ये हो जाएगा 1899 से लेकर के 1900, तो ऑप्शन सी। व्हेन वाज अवध एनेक्स्ड, तो 44 का हो जाएगा बी, दैट इज 1856, बी ऑप्शन करेक्ट। कलकत्ता मद्रास एंड बम्बई यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुआ था, तो 1857, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। लीडर ऑफ ताना भगत मूवमेंट, तो इनका नाम था जत्रा भगत, 46 का बी हो जाएगा, जत्रा भगत। वेयर वॉज द बहादुर शाह जफर किप्ट इम्प्रिजेंट, तो रंगून, जो कि बर्मा में है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। वेयर डिड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, ये भी क्वेश्चन गेस में बताया हुआ है, इसका हो जाएगा 1761, ऑप्शन बी। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भूमेश चंद्र बैनर्जी, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी 49 का। इन वूज कोर्ट सर थॉमस रो केम, तो जहांगीर, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ समाप्त होता है आपका 49 पे, 50 से आपका स्टार्ट हो जाएगा मेडिवल हिस्ट्री, मतलब कि मध्यकालीन भारत, तो इसको भी मिलाइए। वेयर इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, तो ये हो जाएगा सूरत, इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, वेयर व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सुबह अंडर औरंगजेब, तो ये हो जाएगा डी, टोटल 21। वो अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट रूलर, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है मैंने, तो ए हो जाएगा अकबर। ठीक है, व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, तो 1556 में हुआ था, तो ऑप्शन इसका सी होगा। ताजमहल किसने डिजाइन किया, 55 का बी होगा, उस्ताद ईशा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूर जहां, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, मेहरू निसा इनका नाम था, ऑप्शन ए। बैटल ऑफ धर्मत टुक प्लेस, ये हुआ है आपका 1658 में। टोडरमल सर्व्ड विथ विच रूलर फर्स्ट, 58 का हो जाएगा शेरशाह, फर्स्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विच मुगल एम्पायर इम्प्रिजेंट शिवाजी, तो ये हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन बी। इन विच बैटल बाबर डिफीटेड इब्राहिम लॉडी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन ए 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। एन ए दहसाला सिस्टम, तो ये बी हो जाएगा, रेवेन्यू सिस्टम, ऑप्शन बी। वो टुक अवे द कोहिनूर डायमंड फ्रॉम मुगल्स, तो ये बी हो जाएगा, नादिर शाह, ऑप्शन बी, इसको मिला लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ना हर एक तरह का कंटेंट का PDF जो कुछ भी मैं भेजूंगा वो मिल जाएगा उसी टेलीग्राम चैनल पे। व्हेन वाज महजरनामा साइंड, तो 63 का हो जाएगा सी, 1579। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट महाभारत ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, तो ये हो जाएगा डी, अकबर, ऑप्शन डी। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल रूलर जट रिवोल्ट टुक प्लेस, तो हो जाएगा औरंगजेब, इसका राइट ऑप्शन। विच मुगल रूलर वॉज इम्प्रिजेंट बाय महाबत खान, तो ये हो जाएगा ए, जहांगीर, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, जहांगीर। विच मुगल रूलर इज एसोसिएटेड विथ चेन ऑफ जस्टिस, तो जहांगीर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चेन ऑफ जस्टिस से क्या है, एसोसिएटेड है, ऑप्शन इसका बी, बी ऑप्शन। वो मर्डर्ड अबुल फजल, हत्या किसने किया था,
तो बी हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला, ऑप्शन बी। विच राजपूत क्लैन फर्स्ट सबमिटेड टू द मुगल्स, तो ये कछवाहा जो है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। वो ट्रांसलेटेड तुजुका बाबरी इनटू पर्शियन, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन बी। वो इज द ऑथर ऑफ मजमा उल बहरीन, तो ये हो जाएगा सी दारा शिकोह, जो कि शाहजहाँ का पुत्र था। चार बेटा शाहजहाँ का, दारा शिकोह, औरंगजेब और दो और था, ऑप्शन सी। वो फॉट द बैटल ऑफ समूगर, तो ऑप्शन 72 का हो जाएगा सी, दैट इज दारा शिकोह एंड औरंगजेब, दोनों भाई के बीच में, ऑप्शन सी। 73 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नॉट बिल्ट बाय अकबर, तो ग्वालियर फोर्ट अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ये बनवाया गया था राजा मान सिंह तोमर के द्वारा 15वीं शताब्दी में, तो इसका राइट ऑप्शन ग्वालियर फोर्ट होगा। वो वॉज नोन एज जिंदा पीर, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शाहजहाँ, तो ये है आपका शाहजहाँ का टॉम्ब कहाँ पे, तो आगरा में, राइट ऑप्शन ए होगा। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर एंड आर्टिलरी, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, बाबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गन पाउडर एंड आर्टिलरी इंट्रोड्यूस किया था। वो बिल्ट जामा मस्जिद एट दिल्ली, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शाहजहाँ, 77 का ए ऑप्शन। इन वूज रीन बर्नियर केम टू इंडिया, तो ये हो जाएगा औरंगजेब, इसका राइट ऑप्शन। वो बिल्ट द निशात बाग मुगल गार्डन, 79 का ए हो जाएगा बाबर। वूज ओरिजिनल नेम वाज महेश दास, तो बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था, महेश दास। विच सिख गुरु फॉट अगेंस्ट द मुगल्स, तो गुरु गोविंद सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ के बता देता हूँ कि ये थोड़ा इजी हो जाए बच्चों को कि हाँ ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ आप आंसर बता देते हो, क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताते हो, तो क्वेश्चन भी पढ़ के मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो का जो लेंथ है ना बड़ा हो जाता है। वो बैंड द नवरोज फेस्टिवल, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 82 का, ये हो जाएगा आपका शायद औरंगजेब, हाँ औरंगजेब इसका राइट ऑप्शन होगा बी। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस दाग एंड चेहरा, तो 83 का ए होगा अकबर, अकबर ऑप्शन ए। वो कंकर्ड द स्ट्रीट ऑफ गलकुंडा, तो ये हो जाएगा 84 का आपका बी, दैट इज औरंगजेब। वो व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शाहजहाँ, तो खुर्रम नाम था इसका, ऑप्शन ए। मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था अकबर ने, ऑप्शन सी। रोहतास फोर्ट किसने बनाया है, शेर शाह सूरी, ऑप्शन ए। लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ शेर शाह, तो इसका नाम क्या था, 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कालिंजर। व्हाट वाज द हेड ऑफ आर्टिलरी कॉल्ड, इसको मीर ए आतिश बोला जाता था, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, मीर ए आतिश, आतिश नाम से भी लिंक करो आप। वो वाज द चार्ज इन रॉयल शिप्स एंड बोट, तो इसका राइट ऑप्शन 90 का हो जाएगा ए, दैट इज मीर अ बहरी, ऑप्शन ए। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ जहांगीर, तो इसका टॉम्ब है आपका लाहौर में, सी हो जाएगा। वो पॉपुलराइज सियाह कलम स्टाइल ऑफ पेंटिंग, पॉपुलराइज किसने किया है, तो ये पॉपुलराइज किया है आपका जहांगीर ने, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने अकबर भी टिक किया होगा, लेकिन पॉपुलराइज किसने किया है, ए ऑप्शन होगा। द फेमस पेंटर बीशन दास वाज इन द कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर, तो ये बी हो जाएगा जहांगीर। वो अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्रेंच ट्रेवलर, तो ये जो टैवर्नियर है, टैवर्नियर तावर्नियर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आफ्टर विच बैटल हुमायूं क्रॉस गंगा विद द हेल्प ऑफ वाटर कैरियर, तो बैटल ऑफ चौसा। वुड टेक केयर ऑफ शाहजहाँ इन कैप्टिविटी, तो इनका नाम था जहानारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब तीन क्वेश्चन आपका और बचता है यहाँ से। वो सक्सीडेड औरंगजेब, तो बहादुर शाह, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। वेन वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है मैंने, 1576 में अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, राइट ऑप्शन। एंड विच मुगल रूलर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 का डी, औरंगजेब। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो इस बार पार्ट टू का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगे पार्ट थ्री का तैयारी करना चाहते हैं। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।